अलीगढ़ में बुजुर्ग पिता अपनी दिव्यांग बेटी को पीठ पर बिठाकर लेकर पहुंचे। एसएसपी कार्यालय थाना देहली गेट क्षेत्र नेवरी अहलादपुर के रहने वाले हजरत ने अपने दोनों पैरों से विकलांग बेटी की शादी आज से करीब 7 वर्ष पूर्व टप्पल क्षेत्र के गांव सालपुर के रहने वाले कलुआ के साथ पूरी रीति रिवाज को अपनाते हुए इस शादी को सम्पन्न कराया गया था। शादी के बाद दोनों पैरों से विकलांग वाजदी खां ने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। पीड़ित बुजुर्ग पिता ने पड़ोसी की बातों में आकर और उसकी भावनाओं में बहकर अपनी बेटी की शादी कलुआ के साथ तो कर दी और कलुआ ने इस विकलांग पत्नी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अब पति पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता है और वही पिछले कई दिनों से घर से गायब है। वही दोनों पैरों से विकलांग बेटी को अपनी पीठ पर बिठाकर यह बेबस बुजुर्ग पिता अख्तर आज एसएसपी कार्यालय आए और उन्होंने बताया कि वाजदी खान का पति कलुआ इनकी बेटी को कहीं भी छोड़कर चला जाता है। यह बेबस रास्ते में पड़ी रह जाती है और मिट्टी का तेल डालने की भी धमकी देता रहता है और जब मन करता है उसको छोड़कर भाग जाता है। पीड़ित के पिता ने बताया कि थाना देहली गेट क्षेत्र के शाहजमाल में आज से 7 साल पहले गली में बारात लेकर आया था, लेकिन लड़की पक्ष ने बिना शादी के कलुआ की बारात को लौटा दिया था। लौटते वक्त बिना दुल्हन के बारात जाता देख मोहल्ले का एक व्यक्ति इन बारातियों के पास पहुंच गया और बारातियों ने उस व्यक्ति से कहा कि कैसे भी करके हमारी इज्जत बचा दो और जैसी भी लड़की हो उससे शादी करा दो। उसके बाद वह व्यक्ति इस बारात को लेकर अख्तर के दरवाजे पर पहुंच गया तो बुजुर्ग पिता उस व्यक्ति की भावनाओं में भयंकर अपनी बेटी वाजदी खां की शादी कलुआ के साथ कर दे, लेकिन कलुआ ने आज इस विकलांग पत्नी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर सकती, जिसके लिए आज इसको अलीगढ़ के एसएसपी कार्यालय आना पड़ा है। डेली इंडिया न्यूज चैनल से जिला अलीगढ़ संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो आपसे शादी करा दी? हाँ, मुझसे शादी करा दी। शादी को कितना समय हो गया? शादी आएगा 6-7 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आप पर? 2 बच्चे हैं। तो क्या अब आपका पति आपको रखना नहीं चाहता है? रखना नहीं चाहता, दूसरी ले आता है, कभी मिट्टी का तेल डाल के आग लगाता है, कभी पेट्रोल डाल के। क्या ये समय कितने समय से चल रहा है? ये हो गए ऐसे हो 2-3 साल थी जब थी तो ऐसे बुड्ढा। क्या ये कारण है कि आप विकलांग हैं इस वजह से आपका पति आपको रखना नहीं चाहता? हाँ ऐसे मान लो, ऐसे सही। और देखी थी मैं सामने जब भी नहीं मना करी थी। कहाँ का मामला है ये? यहाँ का है, नीम जोड़ का। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना ऐसे नहीं जानते। तुमसे पूछा था मैंने,